अरे तो हमसे बोला गया था चार पोजीशन है ए बी सी और डी, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो है उसका हमें आइडिया लगाना था कि नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पर है, फिर उससे कम कहाँ पर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले अपन एक बेसिक बात जानते हैं कि स्ट्रेट रोड पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा। तो और जो गड्ढे के अंदर नॉर्मल रिएक्शन एम जी से ज्यादा होता है और ब्रिज के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एम जी से कम होता है। तो सबसे ज्यादा तो तय हो गया कहां पर होगा, सी पॉइंट पर ही होगा, इसमें तो कुछ सोचना है ही नहीं अपने को। तो सी पॉइंट पर सबसे ज्यादा होगा नॉर्मल रिएक्शन, सी के बाद बताइए भाई ए पॉइंट पर, सी के बाद में कह सकता हूँ ए पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर होगा। अब बात आ गई बी और डी, इन दोनों पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन कम होगा, पर कहां पर ज्यादा कम होगा उसको अगर अपन देखना तो एक चीज समझ लीजिए। पहली बात, ब्रिज के ऊपर अगर हम नॉर्मल रिएक्शन देखें तो एम जी से कम आती है, एम जी माइनस एम जी स्क्वायर बाई आर। अब फर्क क्या है इन दो पोजीशन पर, रेडियस का फर्क है अगर आप देख पाए तो हमें सिर्फ कंपेयर करना है। देखो स्पीड हर जगह में मानकर चल रहा हूं कि सेम है, सिर्फ रेडियस को अलग करेंगे तो जहां पर रेडियस कम करोगे आप वहां पर ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अगर घटने वाली टर्म बढ़ गई है तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर नॉर्मल कम आ जाएगा। तो उन दोनों के लिए अगर कंपेयर किया जाए तो जहां पर रेडियस कम होता है वहां पर नॉर्मल भी कम होता है, यहां पर सबसे कम नॉर्मल आएगा। तो क्या सोचते हो बताओ भाई, पहले डी पर आ जाएगा और सबसे कम बी पॉइंट पर आएगा, ये हमारा रिलेशन होगा नॉर्मल रिएक्शन का। इसको ऐसे भी मान सकते हैं, लास्ट वाले दो को अगर कंपेयर करना हो तो आप लोगों को एक तरीका बताया था, वो ये वाला रेडियस का बताया था आप लोगों को कि बताइए भाई एक तो बड़े रेडियस का पुल है और एक स्पीड ब्रेकर है, बताओ कहां पर कॉन्टेक्ट छूटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, स्पीड ब्रेकर पर। तो सीधी बात है, इसका मतलब वहां पर नॉर्मल रिएक्शन जल्दी कम खत्म होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम स्पीड ब्रेकर पर होगी बड़े ब्रिज के कंपेरिजन में अगर बात करी जाए। तो यहां से बड़ा आसान है सोचना इस बात को, क्लियर है कहानी, आगे बढ़े। चलिए भाई अब बात करते हैं हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में बात करें, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है फिर ले आऊंगा पेन, ले ये बाद में एक बार लिख इसको देख लेते हैं पहले। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम दो सिचुएशंस के बारे में मेनली बात करेंगे। अच्छा वर्टिकल सर्कुलर मोशन से भी पहले साइड में एक बेसिक बात आप लोगों को बता देता हूं, जिसमें जिस बात का इसमें अपने को यूज करना पड़ेगा, तो वो बेसिक बात समझ लेते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन, कभी भी अगर आप लोगों को दिखाई दे कि केवल ग्रेविटी के कारण ही पार्टिकल्स की स्पीड कम हो रही है या बढ़ रही है, मतलब केवल ग्रेविटी ही जब वर्क कर रहा हो और कोई भी फोर्स वर्क ना कर रहा हो, तो उस केस में मतलब इफ ओनली ग्रेविटी वर्क्स, अगर केवल ग्रेविटी का फोर्स ही वर्क कर रहा है, कोई भी दूसरा फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, सारी सरफेसेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन विक्शन प्रेजेंट नहीं है, हमने खुद ने भी कोई फोर्स नहीं लगाया, तो उस परिस्थिति में हम एक खास रिजल्ट देखते हैं, v स्क्वायर हो जाता है u स्क्वायर प्लस 2gh के बराबर। जब हम नीचे आते हैं, जब हम नीचे आते हैं मतलब हाइट कम होती है, और जब किसी पार्टिकल की हाइट बढ़ती है तो उस केस में v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh आ जाता है, जब क्या होता है हाइट बढ़ती है, या कहते जब हम ऊपर जाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, जब हम ऊपर जाते हैं तो v स्क्वायर की वैल्यू u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाती है। एक उदाहरण से समझ भी लेते हैं इस बात को, मतलब क्या है इस बात का, मान लीजिए कोई भी इस तरह का एक सरफेस है ना, स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन विक्शन प्रेजेंट नहीं है, इंक्लाइन प्लेन है, यहां पर हमसे बोल दिया गया m मास के एक पार्टिकल को अपन ने रेस्ट से रिलीज कर दिया, या यहां पर u स्पीड दे दी इसको नीचे की तरफ, तो क्या सोचते हो जैसे जैसे पार्टिकल फिसल के नीचे आएगा तो बताओ भाई ग्रेविटी ही तो है जो वर्क करेगी, दो फोर्स है जो इस पर लग रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है जो लग रहा है और साथ में ग्रेविटी का फोर्स है जो लग रहा है, नीचे आते आते बताओ स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी, कॉमन सेंस की बात है, नीचे आते आते स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो जब भी हम नीचे आते हैं तो स्पीड बढ़ती है, इसीलिए प्लस का साइन आता है। अगर हमसे पूछा जाए अगर ये एच हाइट है तो बताइए यहां पर स्पीड वी की वैल्यू क्या होगी,
तो हमें पता है यहां से यहां तक एनर्जी को कंजर्व किया जा सकता है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अगर मैं लगा दूं, यहां पर टोटल एनर्जी देख लेते हैं, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियली बताइए कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच के बराबर थी। दिस इज इक्वल टू यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही हो जाएगी। एक काम करते हैं, टू टू सब जगह आया, इसको भी टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर बताइए भाई, टू से टू खत्म हो जाएगा, सब जगह मास भी खत्म हो जाएगा। तो बताओ लेफ्ट साइड में यू स्क्वायर प्लस में टू जी एच बराबर वी स्क्वायर आ गया। ये रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया? तो जब भी हमें लगे कि केवल ग्रेविटी के कारण ही जो है स्पीड बढ़ रही है या ग्रेविटी के कारण ही केवल स्पीड घट रही है, कोई और फोर्स जिम्मेदार नहीं है, तब हम इन दो रिलेशन का सीधे सीधे, ये कुछ और नहीं है बल्कि एनर्जी कंजर्वेशन के ही रिजल्ट है। तो हम बार बार काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लिखेंगे, उससे बढ़िया सीधा सीधा क्या ये लगा दे तो बढ़िया नहीं रहेगा? तो सीधा इस रिजल्ट का यूज किया जा सकता है। अगर ऊपर जा रही है कोई भी चीज तब भी इस बात का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए मैं कहूं कि कोई भी एक पार्टिकल है, इस तरीके से सिंपल पेंडुलम की सिचुएशन मान लो, हमने यहां पर अगर यू स्पीड दी है तो बताइए थोड़ी देर के बाद इस पॉइंट पर इसकी स्पीड वी कितनी होगी? फिर वही कहानी, पहली बात ऊपर जा रहा है तो कौन कौन से फोर्स होंगे जो लग रहे होंगे? टेंशन का फोर्स होगा, साथ में ग्रेविटी एम जी भी काम कर रहा होगा, तो टेंशन तो परपेंडिकुलर होगा हमेशा वेलोसिटी के। टेंशन कोई भी वर्क यहां पर नहीं करेगा, तो जो भी वर्क करेगा केवल ग्रेविटी तो वर्क कर रही होगी। तो इस सिचुएशन में अगर हमसे बोला जाए ग्रेविटी के कारण ऊपर जाते जाते बताओ स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। तो बताओ हम जब भी स्पीड कम होगी तो क्या लिख सकते हैं? जो फाइनल स्पीड का स्क्वायर होगा वो इनिशियल स्पीड का स्क्वायर माइनस टू जी एच होगा, जहां पर एच का मतलब है ऊंचाई में कितना परिवर्तन आया है। तो अगर हमें इनिशियल हाइट पता है, फाइनल हाइट पता है, तो ये हाइट जो होगी यही तो एच आएगी। तो ये हम किसी तरह अगर निकाल पाए तो इस पॉइंट पर स्पीड निकाल सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच के बराबर। ये सारी बातें कहां कहां पर वैलिड है? जहां पर भी तुम्हें लग रहा है केवल ग्रेविटी के कारण ही चीजों की स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। ये बात प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक चीज समझिए, इसको हम क्या है, इसको अपन प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। कोई अगर कहे जिस तरह प्रोजेक्टाइल में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 20 मीटर पर सेकंड से हमने एक पार्टिकल को फेंक दिया, ये भी नहीं पता कितने एंगल पर फेंका, कुछ जानकारी नहीं है, पर 20 की स्पीड से एक प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया है और ये एक टावर को जस्ट टच करता हुआ निकलता है जिस टावर की हाइट है 5 मीटर, बताइए यहां पर इसकी स्पीड वी कितनी होगी? तो क्या सोचते हो, जब तुमने पत्थर को फेंका है ऊपर जाते समय केवल कौन सा फोर्स है जो पत्थर पर लग रहा होगा? केवल ग्रेविटी का फोर्स है जो लग रहा है। इसका मतलब ग्रेविटी ही इसकी स्पीड को बढ़ाएगी या घटाएगी? तो ऊपर जाते समय बताओ स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर जाकर स्पीड कम आएगी? तो बताइए कम के लिए क्या लिखें? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच लिखा जा सकता है। तो यू स्क्वायर की वैल्यू 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, माइनस टू इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू हाइट कितनी है इस पॉइंट पर 5 मीटर। ऊपर देखना चाहते हैं स्पीड घट के कितनी हो गई है, बताओ भाई निकाला जा सकता है? तो 100 400 में से 100 घटा देंगे 300, तो v बराबर v इज इक्वल टू 10√3 आएगा। तो यहां से हमने बता दिया कि 5 मीटर ऊंचाई पर इस पॉइंट पर स्पीड कितनी है। और फिर एंगल वेंगल भी अगर हमें पता चल जाए तो और भी बहुत सारी चीजें अपन निकाल सकते हैं। तो इससे कई सारे टफ क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के बड़ी आसानी से सोल्व किए जा सकते हैं, अगर हमें ये बेसिक बात पता है तो। और आगे भी जहां पर भी भविष्य में अगर मुझे इस सिचुएशन की जरूरत पड़ेगी, जहां पर भी ग्रेविटी के कारण ही हमें लग रहा है कि केवल स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, वहां पर हर परिस्थिति में हम इस बात का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बोलिए कौन सी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बोल सकते उसको? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए तो अपन क्या है, वेक्टर फॉर्मेट में अपन लगा रहे हैं, वैसे इसको लगाने को अपन बोल सकते हैं, थर्ड इक्वेशन के रूप में भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी डॉट वी इज इक्वल टू, उस फॉर्मेट में इसको लगाया गया ऐसा बोला जा सकता है, वी डॉट वी इज इक्वल टू यू डॉट यू प्लस में टू ए डॉट एस। अब यहां पर क्या है वो लगाना पड़ेगा अपने को कि एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू है नीचे की तरफ है जी, अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी और डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगी, तो वो माइनस साइन के साथ हमारा आंसर आ जाएगा।
पर आप तो इसको एनर्जी कंजर्वेशन, अब इक्वेशन से अपन ऊपर उठें, अब हम इक्वेशन से ऊपर उठें, अब हम थोड़ा और समझदार हो गए, अब अपने को एनर्जी के बारे में पता है तो एनर्जी से चीजें आसान रहती हैं, फोर्स के कंपैरिजन में एनर्जी के से चीजें सॉल्व करना थोड़ा आसान रहता है, उसी के लिए ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। चलिए बाकी समझते हैं, देख लीजिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में बात करते हैं। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में देखिए भाई, हम दो तरह की सिचुएशन को मेनली स्टडी करेंगे, दो बिल्कुल एक जैसी परिस्थितियां। सबसे पहली सिचुएशन है कि मान लीजिए धागे के साथ कोई भी हमने एक पार्टिकल को बांध रखा है, एम मास का पार्टिकल, तो धागे की लंबाई में आर मान लेता हूं, तो आर लंबाई का धागा इसके साथ एक एम मास के पार्टिकल को बांध दिया, अगर मैं इसको स्लाइटली हिट करूं, हल्का सा इसको धक्का दूं, तो बताओ भाई पार्टिकल कुछ यहां तक जाएगा फिर वापस आ जाएगा, इस तरीके से ऑसिलेशन करेगा, थोड़ा सा और जोर से इसको हिट किया और वेलोसिटी दे दी, ये हो सकता है यहां तक जाए, थोड़ा बड़े एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन करना शुरू कर दे, मैं थोड़ा सा और ज्यादा वेलोसिटी दूंगा तो हो सकता है कि ये यहां तक जाए और यहां पर जाकर धागा ढीला हो जाए और ये कुछ इस तरीके से सर्कुलर पाथ को छोड़ के गिर पड़े। और तुम इमेजिन कर सकते हो अगर मैं बहुत ही जोर से इसको हिट करूं तो ऐसा हो सकता है कि ये आगे जाए और चक्कर पूरा कर ले, तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, ज्यादा वेलोसिटी से अगर इसको हिट करते हैं तो ये साइकिल कंप्लीट कर लेता है, तो वो भी स्पीड हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, अभी तो हम यही मानकर चल रहे हैं कि हमने इतनी ज्यादा वेलोसिटी इसको दे रखी है कि ये पार्टिकल क्या कर पा रहा है, साइकिल को कंप्लीट कर पा रहा है, वर्टिकल सर्कल में ये पार्टिकल घूम रहा है। तो वर्टिकल सर्कल जो है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल एक तरीके से कहा जा सकता है, तुम समझ सकते हो यहां पर अगर मैं पार्टिकल को यू स्पीड दूंगा तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा बताओ भाई स्पीड कम होती चली जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी के कारण ऊपर जाते जाते नेगेटिव वर्क होगा तो उसके कारण स्पीड कम होती चली जाएगी, तो बताओ स्पीड अगर बदल रही है तो कैसा सर्कुलर मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। हमारा असली मुद्दा क्या रहता है, हमें ढूंढना क्या है, असली मुद्दा ये है कि हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं इसमें, तो हम ढूंढना चाह रहे हैं किसी भी एक जनरल थीटा पोजीशन पर, हम इस लोएस्ट पॉइंट को स्टैंडर्ड पोजीशन मानकर चलेंगे, इससे किसी भी एक थीटा पोजीशन पर यहां पर हम ढूंढना चाहेंगे कि धागे में टेंशन फोर्स की वैल्यू क्या है, तो असली मुद्दा है टी ढूंढने का, धागे में टेंशन बताइए किसी भी एक जनरल थीटा पोजीशन पर। अच्छा ये बात भी तय है अगर यहां पर स्पीड यू है तो ऊपर जाकर जरूर कुछ ना कुछ स्पीड कम हो गई होगी, उस स्पीड को हम वी बोल देते हैं और वो वी की वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं, ऊपर जाएगा तो क्या लगा देंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर एच का मतलब है इन दोनों लेवल की ऊंचाई का अंतर। क्लियर है कांडी? तो इस पॉइंट पर हमारा मुद्दा है थीटा ढूंढने का। तो सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, अपन सर्कुलर डायनेमिक्स में जानते हैं पहला काम होता है पार्टिकल पर लगने वाले सारे फोर्स देख लीजिए, बताओ एक तो टेंशन टी होगी जो इस धागे पर लग रहा होगा, एक ग्रेविटी का फोर्स एमजी नीचे लग रहा होगा, हम जानते हैं सारे फोर्सेस को हमेशा दो डायरेक्शन में तोड़ देंगे, एक तो सर्कल के सेंटर की तरफ दूसरा परपेंडिकुलर, तो टी तो पहले ही सेंटर की तरफ है इसको परेशान नहीं करेंगे, एम जी बीच में इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये एंगल अगर थीटा है तो पक्का ये भी थीटा, तो एम जी का ये कंपोनेंट बताओ एम जी कॉस थीटा, एम जी का ये कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा वेलोसिटी के अपोजिट है, यही टेंजेंशियल रिटार्डेशन पैदा करेगा, ये एटी का काम करेगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्रिएट करेगा जिससे स्पीड कम होती जाएगी, इस डायरेक्शन में बताओ टी जाता होगा कि एम जी कॉस थीटा, हमें पता है नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर आता है टी जाता आएगा, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या लिख दूं मैं, इक्वेशन बताओ क्या बनेगी, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो टी बराबर आएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर, तो इस बात का यूज करके हम किसी भी एक जनरल टी किसी भी एक जनरल थीटा पोजिशन पर धागे में टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बस दो चीजें मेन है हमारे पास, थीटा क्या है और स्पीड कहाँ की लेनी है, ये दो चीजें। अभी इस मुद्दे पर दोबारा बात करते हैं, एक बार मैं अभी दोबारा बताता हूँ, तो पहली बात तो एक ये फॉर्मूला अभी के लिए याद रखो, टी बराबर एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, ये एक जनरल फॉर्मूला है किसी भी एक थीटा पोजिशन के लिए। सेम यही कहानी वर्टिकल सर्कुलर मोशन की एक सिचुएशन तो ये हो गई, एक और सिचुएशन मैं बताता हूं बिल्कुल इसी प्रकार की सिचुएशन है, केवल थोड़ा सा अंतर है, यहां पर धागे में टेंशन टी ले रहे हैं, वहां पर कॉन्टेक्ट के कारण नॉर्मल रिएक्शन ए ली जाती है। तो समझते हैं इसी प्रकार की एक दूसरी सिचुएशन,
दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, मान लीजिए कोई भी एक होलोस्फियर है भाई, कोई भी एक खोखला गोला है होलोस्फियर, इस होलोस्फियर का जो रेडियस है मैं मान लेता हूं कैपिटल आर के बराबर, लोएस्ट पॉइंट पर जो पार्टिकल है होलोस्फियर है, तो यहां पर अपन ने क्या कर दिया, आर रेडियस का स्फीयर है, नीचे एक पार्टिकल रख दिया। इमेजिन करो अगर मैं इस पार्टिकल को अंदर हल्का सा कुछ वेलोसिटी दूं, तो बताओ भाई पार्टिकल स्फीयर के अंदर कुछ ऐसे ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा। मैं थोड़ी सी ज्यादा स्पीड दे दूंगा तो ज्यादा बड़े एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन करेगा, मैं और थोड़ी ज्यादा स्पीड दे दूंगा तो ये यहां तक आएगा और कॉन्टेक्ट छोड़ के इधर गिर पड़ेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगी, कॉन्टेक्ट छोड़ देगा और ये इधर गिर पड़ेगा। और अगर मैं इसको बहुत ही ज्यादा स्पीड दे दूं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जाए और चक्कर पूरा करके वापस आ जाए, तो वर्टिकल सर्कल को ये कंप्लीट भी कर सकता है। क्या सोचते हो, बिल्कुल एक जैसी सिचुएशन है कि नहीं है? बस एक ही फर्क है, यहां पर सेंटर की तरफ जो फोर्स था वो कौन सा फोर्स था, टेंशन फोर्स था, लेकिन यहां पर बताओ पार्टिकल पर कौन सा फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो बताओ भाई यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन जो होगा मिल रहा होगा इसको, वो नॉर्मल ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल और एमसी का रिजल्टेंट जो भी आएगा। इसमें भी सेम वही कहानी होगी, मान लीजिए लोएस्ट पॉइंट पर अगर हमने स्पीड यू दी थी तो बताओ ऊपर जाते जाते स्पीड कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, यहां पर फोर्स लग रहे हैं एन और एमजी, सेम वही कहानी, एमजी का एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, ये थीटा मान ले तो ये भी क्या आएगा, थीटा, ये आएगा एमजी कॉस थीटा, सेम वही इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं सीधा सीधा रिजल्ट भी वही लिख देता हूं, क्या आंसर आना चाहिए एन का, एमजी कॉस थीटा प्लस एम स्क्वायर बाई आर, कोई अंतर नहीं है दोनों सिचुएशन में, केवल एक ही अंतर है, यहां पर टेंशन टी मिलती है, वहां पर क्या मिलता है, नॉर्मल रिएक्शन मिलता है, बिल्कुल एक ही तरह की ये दो परिस्थिति है, इन्हीं को डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहले एक बार इसको लिख लीजिए, फिर मैं इस फॉर्मूले में ध्यान रखने लायक बातें क्या है उसके बारे में बात करता हूं। हाँ जी, नहीं ये कॉनिकल पेंडुलम है, ये तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, कॉनिकल ऐसे ऐसे घूमता है। कंपोनेंट ना टी के करने होते ना एमजी के करने होते, हाँ कंपोनेंट तो हमेशा सारे फोर्सेस जो भी लग रहे हैं उनको सर्कल के सेंटर की तरफ और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ो, यहाँ पर सर्कल का सेंटर इधर की तरफ है तो इधर और इधर तोड़ेंगे, तो टी ऑलरेडी सेंटर की तरफ है तो इसके कंपोनेंट नहीं करेंगे, तो किसके कंपोनेंट होंगे, एमजी के ही कंपोनेंट होंगे। जो तुम्हारी कॉनिकल पेंडुलम की सिचुएशन है वहां पर एमजी तो नीचे लग रहा है और टी कुछ एंगल पर लग रहा है, तो सारे फोर्सेज को हम सर्कल के सेंटर की तरफ और परपेंडिकुलर तोड़ेंगे, तो उस केस में mg तो पहले ही परपेंडिकुलर है, इस बार mg को नहीं तोड़ सकते, तो किसको तोड़ना पड़ेगा, t को तोड़ना पड़ेगा, तो अपने आप कॉमन सेंस से आ जाएगी वो बात। तुम्हें तो सिर्फ बेसिक ये बात याद रखनी है कि सारे फोर्सेस देखने हैं सर्कल के सेंटर के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर। तो कहीं कहीं पर मैंने बताई भी थी ये बात कि कहीं पर हो सकता है टी के कंपोनेंट करने पड़े, कहीं पर एमजी का कंपोनेंट करने पड़े, ऐसे रटना नहीं है कि टी के कंपोनेंट कर दो एमजी के कर दो। भाई इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, दो चीजें खास हैं इस फॉर्मूले में, बस वो दो चीजें मिल जाएंगी तो हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू हम ढूंढ पाएंगे। वो कौन सी दो चीजें हैं, सबसे पहली खास बात है थीटा, तुम्हें ये पता होना चाहिए थीटा का मतलब क्या है। तो इमेजिन करो, बताओ यहां पर हमने स्टैंडर्ड पोजिशन कौन सी मान रखी है, वर्टिकली डाउनवर्ड वाली पोजिशन, तो इससे एंगल हमेशा देखा जाता है थीटा। जिस तरह अगर हमसे पूछा जाए इसी पॉइंट पर ही अगर हमें टेंशन निकालनी हो लोएस्ट पॉइंट पर, तो बताओ थीटा कितना हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि इसी के साथ एंगल देखना होता है। अगर हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर देखना चाहते हैं तो क्या थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन देखना चाहता हूं तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर।
अच्छा थीटा के लिए ये बात डिपेंड नहीं करती है कि हम पार्टिकल को रिलीज कहां से कर रहे हैं, हो सकता है एक सिंपल पेंडुलम की भी सिचुएशन ले ली जाए। हम कहते हैं यहां से मैंने पार्टिकल को कुछ 50 डिग्री से मान लीजिए छोड़ दिया, तो बताइए भाई ये पार्टिकल यहां पर जाएगा, तो इस पॉइंट पर अगर मुझे टेंशन निकालनी होगी तो बताओ थीटा को 0 लिखूंगा या 50 लिखूंगा? 0 लिखेंगे। मैंने फिर वही बात बोली, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इसको कहां से छोड़ा गया है, हमारा जो फॉर्मूला तैयार किया गया वो कहां से थीटा मानकर, यहां से थीटा मानकर या इस डायरेक्शन से थीटा मानकर, इस डायरेक्शन से थीटा मानकर। तो अगर तुम पार्टिकल को यहां से भी छोड़ोगे तो जब ये नीचे पहुंचेगा तो इस पॉइंट पर जब तुम्हें थीटा लिखना होगा तो थीटा कितना लिखोगे? 0 ही लिखोगे। कहां से छोड़ा है, कितने एंगल से छोड़ा है, वो कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही कहानी? ये चीज ध्यान रखने की है। फिर उसके बाद आगे समझते हैं, देख लीजिए। एक तो थीटा है काम का, थीटा का मतलब समझ में आ गया तुम्हें कहां से लिया जाता है। दूसरा आ गया स्पीड वी, स्पीड वी जो है ये कहां से ली जाएगी? तो बताओ भाई पार्टिकल को यहां पर स्पीड यू दी थी, हमने फॉर्मूले में स्पीड वी लिखी है, वो बताओ भाई नीचे वाले पॉइंट की स्पीड है या जिस पॉइंट पर टेंशन ढूंढना चाह रहे हैं वहां की स्पीड है? तो ये चीज ध्यान रखनी है, हमेशा हमें जिस पॉइंट पर भी टेंशन निकालनी होगी उसी पॉइंट की स्पीड हमें पता होनी चाहिए। जनरली ऐसा होगा कि हो सकता है स्पीड तुम्हें यहाँ की पता हो लेकिन टेंशन तुमसे यहाँ की पूछी जाए, तो आपको खुद सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले एनर्जी कंजर्वेशन से यहाँ पर स्पीड निकालनी पड़ेगी और यहाँ का थीटा देख लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पर टी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक बात समझ में आ गई आप लोगों को। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस बात का कैसे यूज किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूं आप लोगों को, देख लीजिए ध्यान से, और उसमें एक साथ हम कई सारे बेसिक रिजल्ट जो याद रखने के हैं वो देखते रहेंगे जिससे चीजें आसान हो जाएंगी। तो पहला एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करके बताता हूं किस तरीके से इन सभी बातों का यूज करके क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। मान लीजिए हमसे कहा गया है कि कोई भी एक धागा है जिसकी लंबाई में एल मान लेता हूं, यहां पर एम मास के एक पार्टिकल को बांध दिया और लोवेस्ट पॉइंट पर हमसे कुछ वेलोसिटी दे दी गई है अंडर रूट मान लीजिए 10 lg के बराबर। तो अंडर रूट 10 lg वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पर दे दी गई है। हमसे कहा गया है कि ये पार्टिकल इस तरीके से वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो सबसे पहले तो लोएस्ट पॉइंट पर ही बताइए टेंशन की वैल्यू TL कितनी होगी। दूसरा हमसे पूछा गया है इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर टेंशन T बताइए, और तीसरा पूछा गया है हाइएस्ट पॉइंट पर टेंशन TH की वैल्यू निकालिए। तो हमसे पूछा गया है फाइंड टी लोवेस्ट टेंशन एट परपेंडिकुलर पोजीशन एंड टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। तो कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं समझ लीजिए, पहला ध्यान से सुन लेना तो अगला क्वेश्चन फिर आप लोग सोल्व करके बताना भाई इसका यूज करते हुए। तो पहले हम इस लोवेस्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, हमें हमेशा दो चीजें चाहिए बताओ भाई, एक तो थीटा और एक स्पीड वी। क्या यहाँ का थीटा पता है भाई आप लोगों को? थीटा कितना होता है? 0। चाहे पार्टिकल कहीं से छोड़ा कोई मतलब ही नहीं, हमें तो लोएस्ट पॉइंट के लिए हमेशा थीटा को 0 रखना है, पता चल गया। क्या यहाँ पर स्पीड वी पता है क्या? बिल्कुल, हमारा काम हो गया, थीटा भी पता है स्पीड वी भी पता है, तो टेंशन निकाली जा सकती है इस पॉइंट के लिए। बताओ टी का फॉर्मूला क्या है? mg × cos θ, 0 डिग्री रख देंगे, प्लस m × यहाँ की स्पीड का स्क्वायर, ये अपोन में r की वैल्यू l के बराबर होगी, जो रेडियस होगा वो एल के बराबर ही होगा जो धागे की लंबाई है। एलसीएल खत्म हो गया, कोस 0 1। बताओ टी बराबर ये टर्म कितनी आएगी? एम जी के बराबर, प्लस में ये बताओ कितना आएगा? 10 mg। तो टेंशन बताओ कुल मिलाकर 11 mg। कहानी समझ में आ गई? तो टी की वैल्यू 11 mg के बराबर यहाँ पर आ गई है। उसके बाद आगे समझते देख लीजिए। अच्छा ये TL आया है बेसिकली, इसको अपन ने टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट का नाम दिया है TL। अब हमसे पूछा गया है इस पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू बताइए, तो ध्यान से सुन लेना, बताओ भाई इस पॉइंट पर टेंशन टी ढूंढना है, दो चीजें चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ का थीटा, क्या थीटा पता है भाई इस पॉइंट का? बिल्कुल, थीटा की वैल्यू तो इस पॉइंट के लिए 90 डिग्री हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर स्पीड पता होनी चाहिए, क्या स्पीड पता है? नहीं पता, पर अब निकाल सकते हैं क्योंकि ऊपर जाते समय हम जानते हैं केवल ग्रेविटी ही है जो स्पीड को घटा रही है, तो ग्रेविटी के कारण ऊपर जाने पर स्पीड कितनी कम होती है अपन जानते हैं रिजल्ट, तो उसका मैं यहाँ पर अगर प्रयोग कर लूं तो देखते हैं भाई ये अगर हम इस बात का प्रयोग करें ऊपर जाने पर क्या सोचते हो स्पीड की वैल्यू v² = कितना आएगा भाई? फॉर्मूला लगा देंगे u² - 2gh, तो v² = u² की वैल्यू 10 lg,
माइनस टू इंटू जी इंटू हाइट, बताओ भाई यहां से वहां तक एल के बराबर ही तो आएगा, तो ये आ जाएगा एल। तो कुल मिलाकर टेन एल जी माइनस टू एल जी, तो बताइए टोटल 8 एल जी, तो वी बराबर अंडर रूट 8 एल जी आ जाएगा। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर जो स्पीड आएगी ये आएगी अंडर रूट 8 एल जी के बराबर। क्लियर है कहानी? अब हमें स्पीड भी पता चल गई, इस पॉइंट का थीटा पता है, क्या टेंशन निकाली जा सकती है? बिल्कुल, टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। बताओ क्या इक्वेशन लगाएंगे? टी बराबर एम जी कोस 90 लगा देंगे प्लस एम इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू 8 एल जी बाई रेडियस एल के बराबर। एल से एल खत्म हो जाएगा, कोस 90 जीरो के बराबर। तो बताओ 8 एम जी यही आंसर आएगा, तो टी की वैल्यू आएगी 8 एम जी के बराबर। अब एक तीसरा पार्ट और देख लेते हैं। तीसरे पार्ट में बताओ भाई क्या पूछा है हमसे? हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन, फिर वही कहानी। हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन के लिए सबसे पहले तो थीटा देखिए, बताओ थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। थीटा तो पता है, अगर हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड और पता चल जाए वीएच तो काम हो जाएगा हमारा। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट पता चल जाए तो काम हो जाएगा। कैसे निकालेंगे बताइए भाई? अपन लोएस्ट पॉइंट पर जानते हैं स्पीड, तो यहां से वहां तक अपन जानते हैं, ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी के कारण स्पीड कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ढूंढी जा सकती है। तो अगर मैं वो निकालना चाहूं, मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ, वी एच का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा यू स्क्वायर। यू स्क्वायर का मतलब 10 एल जी माइनस 2 जी इंटू एच के बराबर। एच की वैल्यू एल और एल 2 एल आएगी, तो ये आ जाएगा। तो बताइए 10 एल जी माइनस 4 एल जी कुल मिलाकर 6 एल जी, ये तो आएगा वी एच का स्क्वायर। अगर मैं वी एच निकालना हूं तो कितना आएगा? अंडर रूट 6 एल जी के बराबर। तो इसका मतलब है हाईएस्ट पॉइंट पर जो वीएच की वैल्यू आएगी अंडर रूट 6 एल जी के बराबर आ जाएगी। अब हमारा काम हो गया, हमें एंगल भी पता है उस पोजीशन का 180 डिग्री और वहां पर स्पीड भी पता चल गई। अब हम वहां पर टेंशन टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसको मैं टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट बोल देता हूँ। वो आ जाएगा हमारे पास एम जी इंटू कोस थीटा, 180 डिग्री रखेंगे प्लस में एम इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू बताइए भाई 6 एल जी अपॉन रेडियस एल के बराबर। एल से एल खत्म हो जाएगा, बताओ कोस 180 कितना आएगा? माइनस 1 के बराबर। तो कोस 180 को माइनस 1 लिख दिया जाए तो ये टर्म हो जाएगी माइनस एम जी के बराबर, प्लस में ये टर्म आएगी 6 एम जी के बराबर। तो कुल मिलाकर बताइए भाई 5 एम जी, ये आ जाएगा टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। तो तीन पॉइंट पर हमने स्पीड भी निकाल ली, तीन पॉइंट पर हमने टेंशन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। इस तरीके से इस तरह क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है। पूरा तरीका समझ में आया आप लोगों को? तो ये जो तीन चीजें हैं हमेशा इनके बीच में संबंध होता है, टेंशन, थीटा और वी। अगर हमें थीटा और वी पता चल जाए किसी भी पॉइंट पर तो वहां पर टेंशन ढूंढी जा सकती है। अगर हमें टेंशन पता हो तो थीटा, टेंशन और थीटा पता हो तो वी ढूंढा जा सकता है। कोई भी इन तीनों में से दो पता चल जाएं तो वहां पर तीसरी क्वांटिटी ढूंढी जा सकती है इस रिलेशन का यूज करके। T बराबर mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है इसमें। इससे से हमारे सारे क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएंगे इसके, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के। हाँ, क्योंकि हमने सारा जो थीटा mg cos थीटा वो वर्टिकल से ही तो लिया था। इस वर्टिकल पोजीशन से थीटा मानना है तुम्हें हमेशा, कहाँ से छोड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता, हमेशा इधर से एंगल देखा जाता है, ये स्टैंडर्ड पोजीशन है हर केस में, यहीं से थीटा लिया जाएगा। तो लोएस्ट पॉइंट पर आप हमेशा ही थीटा को जीरो ही रखोगे, चाहे पार्टिकल को कहीं से छोड़ दिया जाए। इसको लिख लो एक बार फिर, मैं इसी रिजल्ट में से, ये जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं, देखना कुछ स्टैंडर्ड चीजें बताऊंगा आप लोगों को, उनसे धमाधम क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं।
एक दिक्कत है ऐसे है ना ऑनलाइन में, वो मेरा बोर्ड भी तेरा खाली पड़ा है, उस पर तो कुछ लिख ही नहीं पा रहे अपन। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है ना। चलो कोई बात नहीं। अरे कितना लिखा था, कोस 90 डिग्री प्लस एम इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू 8 LG/L, ये आ गया था। जल्दी लिखो भाई, फिर मैं रिजल्ट बताता हूँ, देखिए उसका यूज करके। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताना, ठीक है? बताइए भाई, लिख लिया? जल्दी लिखो। ये तीन रिजल्ट देख लो पहले अपने पास क्या क्या आए। अच्छा लोएस्ट पॉइंट पर बताओ टेंशन की वैल्यू कितनी आई भाई, लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन 11 mg के बराबर। इस पॉइंट पर बताओ भाई टेंशन की वैल्यू 8 mg के बराबर। इस पॉइंट पर बताओ भाई टेंशन की कितना 5 mg के बराबर। ये तीन वैल्यू ऐसी आई हैं। अब एक चीज समझ लेते हैं, देख लीजिए, मिटा दें इसको। अच्छा ऐड कर देते ज्यादा बढ़िया रहता, मैं बार बार मिटा रहा हूँ। अरे यार को है बात छोड़। हाँ देखो समझो इसको, तो असली बात ये है कि यहाँ पर दो तीन रिजल्ट हैं जो बढ़िया ध्यान रखने के। सबसे पहली बेसिक बात, यहाँ पर वेलोसिटी है √10 LG के बराबर। जब भी हम लोएस्ट पॉइंट से और यहां तक जाते हैं, हमारी जो वेलोसिटी है √2 LG कम हो जाती है। यहां पर बताओ भाई कितना √10 LG है, रूट के अंदर 2 LG की कमी और कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, रूट में 8 LG आ जाएगा। सेम यहां से यहां तक भी रूट में 2 LG की कमी आ जाएगी, तो इधर 8 LG है तो बताओ इधर कितना हो जाएगा, 6 LG के बराबर आ जाएगी वैल्यू। पहली बात तो ये समझ में आ रही है, हमेशा ही ऐसा होगा एनर्जी कंजर्वेशन से। इसका मतलब अगर मान लीजिए आपको बोल दिया जाए, तो अगर मान लीजिए आपको ये बोल दिया जाए कि कोई भी एक धागे के साथ पत्थर बांध रखा है, लोवेस्ट पॉइंट पर हमने पत्थर को स्पीड दे दी √7 RG, जहां पर R का मतलब है धागे की लंबाई, तो उस परिस्थिति में यहां पर जाकर बताइए स्पीड कितनी हो जाएगी। आपको सीधा सीधा क्या कर लेना है, 7 RG है, इसमें 2 RG की कमी हो जाएगी रूट में, सीधा क्या लिखेंगे 5 RG। तो इस पॉइंट पर बताओ भाई √3 RG, कहानी समझ में आ गई? तो रूट में 2 RG की कमी आती है हमेशा, यहां से यहां तक भी 2 RG, यहां से यहां तक भी 2 RG की कमी। क्लियर है बात? दूसरी बात समझने की, टेंशन जो है ऊपर जाने पर हमेशा कम होती चली जाती है। एक और मैं रिजल्ट टेंशन के बारे में अगर रिजल्ट बताऊं, इसको मिटा देता हूं मैं यहां से, अगली स्लाइड जोड़ देते बढ़िया रहेगा। हाँ भाई टेंशन के बारे में एक सिंपल जनरल रिजल्ट मैं अगर आप लोगों को बताऊं, देखिए हम यहां से वर्टिकली डाउनवर्ड से ही तो थीटा एंगल पर यहां पर टेंशन निकालते हैं, और यहां पर अगर मैं स्पीड को यू मान लूं तो यहां पर जाकर स्पीड कुछ वी हो गई है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू निकाल लूं तो टी का फॉर्मूला अपन ने निकाला, टी बराबर mg cos θ + m × v² / r के बराबर। अब एक चीज समझिए, जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जा रहे हैं, इमेजिन कर लीजिए हम यहां पर यहां पर यहां पर ऊपर जाते चले जा रहे हैं, थीटा बढ़ता चला जा रहा है, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो कोस थीटा पर क्या असर होता है, कम होता है। थीटा बढ़ने पर कोस थीटा कम होता है, क्योंकि कोस 0 सबसे ज्यादा होता है 1, फिर कोस 90 0 ही हो जाएगा, फिर माइनस में आ जाएगा, कोस 180 तो -1 सबसे कम हो जाएगा। तो थीटा बढ़ने पर बताओ भाई कोस थीटा की वैल्यू घटेगी, तो ये वाली टर्म घटेगी। साथ ही ऊपर जा रहे हैं तो बताओ भाई कॉमन सेंस की बात है, एनर्जी कंजर्वेशन से ऊपर जाने पर ग्रेविटी नेगेटिव वर्क कर रही है, स्पीड घटाएगी
ग्रेविटी के कारण ऊपर जाने पर स्पीड भी कम होती चली जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ वी की वैल्यू भी क्या होगी, कम। वी कम होने से ये टर्म भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका मतलब है पहली टर्म भी कम होती जा रही है, दूसरी टर्म भी कम होती जा रही है, तो ओवरऑल टेंशन कम होती जाएगी। तो मैं कह सकता हूं ऊपर जाने पर टेंशन क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है। तो अगर सॉरी मैंने बढ़ा दिया, अच्छा अपन ये कैसे मिटाएं इसको, ये दिक्कत पहली बार है। अच्छा ये रहा ना, ये रहा ना यही तो होगा। हाँ चलो सीख लेंगे अपन धीरे धीरे, धीरे धीरे सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पेन पे चले जाते हैं फिर। हाँ चलो, तो थीटा कॉस थीटा वी कम हो गया, तो बताओ भाई ओवरऑल टेंशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब है ऊपर जाने पर टेंशन कम होती चली जाती है। तो कोई अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा टेंशन कहां पर होगी, तो सीधी सी बात है लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। अगर मैं इसको ए पॉइंट बोल दूं, थोड़ी देर बाद इसको मैं बी पॉइंट बोल दूं, यहां पर मैं सी पॉइंट बोल दूं और हाईएस्ट को डी पॉइंट बोल दूं, तो क्या मैं टेंशन के लिए लिख सकता हूं ए पर सबसे ज्यादा आएगी, फिर बी पर कम हो जाएगी, सी पर और कम हो जाएगी, डी पर सबसे कम आएगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होगी वो सबसे कम होगी, उसको मैं टी मिनिमम का नाम दे देता हूं। तो पहली बात तो ऊपर जाने पर टेंशन कम होती चली जा रही है। ये देख लेते हैं हमारे रिजल्ट भी ऐसे आए हैं कि नहीं आए हैं। इमेजिन करो लोवेस्ट पॉइंट पर हमारा टेंशन का आंसर कितना था, 11 mg, ऊपर जाने पर आंसर 8 mg, यहां जाने पर 5 mg, बताओ कम हुआ कि नहीं हुआ। एक चीज और समझो, जिस तरीके से हर बार स्पीड में सेम अंतर पैदा होता है, जो मैंने बताया अंडर रूट 2 2 rg का अंतर पैदा होता है, सेम टेंशन में भी हमेशा एक कॉन्स्टेंट ही अंतर पैदा होता है। तो यहाँ पर 11 mg है, तो बताओ कितना कम हुआ, 3 mg की कमी आई, और यहां से यहां पर भी कितने की कमी आई, 3 mg की। हमेशा ही ऐसा होगा। इसका मतलब अगर तुम्हें ये टेंशन पता चल जाए कि बताइए 20 mg है, तो पक्का ये कितनी बोलोगे, 17 mg, तो पक्का यहां पर 14 mg ये बोलोगे। तो हमेशा ही मैक्सिमम और मिनिमम का टोटल अंतर 6 mg के बराबर होता है। ये रिजल्ट याद रखने का है, मैं लिख देता हूं यहां पर। अगर कोई हमसे कहे कि बताइए भाई टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम हमेशा कितना आएगा, 6 mg के बराबर आएगा, अगर ये लूप पूरा हो रहा है तो। अगर ये लूप पूरा हो रहा है तो टी मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर हमेशा 6 mg के बराबर आता है। यहां से यहां तक 3 mg का अंतर आता है, यहां से यहां तक भी 3 mg का अंतर आता है। तो देखो मैंने दो तीन रिजल्ट हैं जो याद करने के लिए आप लोगों को बोला है कि ये ध्यान रखने की बातें हैं। पहली बात बताओ क्या है ध्यान रखने की, टेंशन ऊपर जाने पर क्या होती जाती है, कम होती जाती है। लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन सबसे कम होती है। स्पीड में बताओ यहां से यहां तक रूट में 2 rg का अंतर आता है, यहां से यहां तक भी 2 rg की कमी होती है। टेंशन में कितने की कमी आती है, 3 mg की, यहां से यहां तक 3 mg की कमी, यहां से यहां तक फिर 3 mg की कमी, तो टोटल यहां से यहां तक 6 mg की कमी। T मैक्सिमम माइनस T मिनिमम 6 mg के बराबर होता है। एक और बढ़िया रिजल्ट की बात बता दूं तुम्हें, तो धमाधम क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। एक और रिजल्ट की बात है जिससे सब काम, ये सारी जानकारी का एक साथ प्रयोग करके चीजें आसान हो जाएंगी। एक बेसिक जानकारी, यहां पर हमेशा स्पीड जितनी होती है उससे एक वैल्यू ज्यादा आती है टेंशन की। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई तुमसे कहे, ये क्या होगा, एक सेकंड रुको, अरे ये वाला, चलो इसका मतलब ये चीज समझिए कि अगर मान लीजिए हमसे बोला गया है कि कोई भी एक पार्टिकल है लोवेस्ट पॉइंट पर, कुछ भी स्पीड मान लो, बताओ भाई कितनी मान ले, अंडर रूट 8 rg मान ले, चलो अंडर रूट 8 rg मान लीजिए अपन ने स्पीड दे दी है, तो कोई मुझे बता सकता है टेंशन कितनी आएगी, और वो मैक्सिमम टेंशन होगी, बताओ कितनी होगी, 9 mg के बराबर। ये पता चलते ही तुम ये भी बता दोगे फिर पक्का यहां पर टेंशन कितनी आएगी, 6 mg के बराबर आएगी, और फिर तुम ये भी बता सकते हो यहां पर टेंशन कितनी आएगी, तो बताओ भाई 3 और कम हो जाएगा, 3 mg के बराबर। देखो हो गया काम इस तरीके से। अच्छा स्पीड 8 है तो टेंशन 9 है,
इससे उल्टा प्रोसीजर भी सही है, अगर स्पीड नो है मतलब सॉरी टेंशन अगर नो है तो स्पीड 8 होगी, मतलब टेंशन से एक कम स्पीड होगी, स्पीड से एक ज्यादा टेंशन होगी। लेकिन ये बात केवल कहां पर लागू है, लोएस्ट पॉइंट के लिए, कहां के लिए लागू है, लोएस्ट पॉइंट पर। तो लोएस्ट पॉइंट के लिए तो आप सीधा सीधा हमेशा क्या कर सकते हैं, केवल स्पीड मिल जाए लोएस्ट पॉइंट पर तो सीधा सीधा टेंशन की वैल्यू निकाली जा सकती है बिना कैलकुलेशन के। कि सर ये कहां से आया, ये अपन ने कोई ऐसा नहीं है जादुई जादू मंत्र मार दिया है, असल में तो ये क्या है, बेसिक फॉर्मूला यही है भाई, एम वी स्क्वायर बाई आर में सिर्फ एम जी कोस जीरो जुड़ता है लोवेस्ट पॉइंट पर, मतलब एक एम जी और जुड़ जाता है। तो टेन एम जी तो सीधा सीधा स्पीड के कारण ही आना था, प्लस में एक एम जी कोस जीरो डिग्री का एम जी और जुड़ गया, तो कुल मिलाकर 11 आ गया कि नहीं आ गया। ऐसा नहीं है कि ये अपन ने ऐसे कोई भारी फॉर्मूले यूज करें, ये बेसिक हमारा फॉर्मूले को ही एक सीधे सीधे तरीके से सोच के ये बात आ सकती है। क्लियर है कहानी। अब अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, देख लीजिए आप लोग सोल्व करके बताइए भाई जल्दी से। अब दमादम क्वेश्चन सोल्व करते हैं कई सारे, ये जो अपन ने चीजें सीखी है इसका प्रयोग करें। पहले वाली स्लाइड ये यहां से आ जाएगी, सीख लेंगे, आदमी चाहे तो कुछ भी सीख सकता है, इच्छा होनी चाहिए बस और नियत होनी चाहिए, सही नियत होनी चाहिए, सब कुछ संभव है। हाँ जनरली हमें लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड दिया जाता है, तो लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड से हम सब कुछ निकाल सकते हैं ये सारी बातों का इस्तेमाल करते हुए। तो भाई इस तरह का क्वेश्चन तो कर लोगे आप लोग। सेम यही कहानी लागू होती है अगर हम क्या है नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं, ये तो टेंशन की कहानी थी, सेम यही बातें नॉर्मल रिएक्शन के लिए भी अप्लाई करी जा सकती है। एक उदाहरण देखते हैं, देख लीजिए, मिटा दो इसको। कुछ और तो चलिए भाई इस बात का यूज करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल में देखिए, हमसे बोला गया कि ये कोई भी इस तरह का एक ट्रैक है, यहां पर इस ट्रैक का जो रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर है, स्मूथ ट्रैक है, कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, यहां से यहां तक ये हाइट दी गई है, मान लीजिए इसका रेडियस अगर आर है तो ये हाइट दी गई है कुछ 5r के बराबर, हाइट दी गई है 5r के बराबर अगर उसका रेडियस आर है। तो हमने क्या किया भाई, यहां से एक स्मॉल एम मास के एक पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज कर दिया, पार्टिकल फिसलता हुआ जाएगा कुछ इस तरीके से, और बताइए भाई इस तरीके से ट्रैक को कंप्लीट करके ये वर्टिकल ट्रैक पर इस तरीके से मूव करेगा। तो बताओ भाई ये पार्टिकल इस तरीके से इस सर्कुलर ट्रैक के अंदर ही अंदर मूव कर रहा होगा, तो दीवारों के संपर्क में रहते हुए चल रहा होगा। तो हमसे पूछा गया है अगर मैं इसको पोजिशन ए मान लूं और इस पॉइंट को मैं पोजिशन बी मान लूं, तो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट पोजीशंस ए एंड बी। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट पोजीशन ए एंड बी, बताइए दीवार और पार्टिकल के बीच में कॉन्टेक्ट फोर्स कितना होगा ए और बी पॉइंट पर, सोच के देखिए एक बार। तो सारा खेल बताओ कौन से पॉइंट की स्पीड मिलने का है, लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड मिल जाए तो मामला बैठ जाता है बढ़िया। क्या इस पॉइंट पर आप लोग स्पीड निकाल सकते हैं ये फिसल के आएगा, इतने तो बुद्धि का प्रयोग किया ही जा सकता है। स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन एक्शन प्रेजेंट नहीं है, तो ग्रेविटी ही तो है जो स्पीड बढ़ा रही है, और ग्रेविटी के कारण स्पीड कैसे बढ़ती है हम जानते हैं। तो सभी उन बातों का प्रयोग करो जो चीजें अपन ने सीखी और सोल्व करके बताइए। नॉर्मल रिएक्शन एट ए एंड बी, फाइंड एन ए एंड एन बी।
अच्छा वही बन गया क्या ये? हाँ वही बन गया ये तो वैल्यू वाइज। सही है भाई। चलो एक मिनट का समय, जल्दी सोल्व करो। चलिए अब मैं सोल्व करता हूं, देखना कितनी आसानी से सोल्व हो सकता है हमारी सारी इन बातों से। सबसे पहली बात, यहां से पार्टिकल को छोड़ दिया, नीचे जाएगा, स्पीड बढ़ती चली जाएगी। यहां पर मैं स्पीड v मान लेता हूं जो हम ढूंढना चाह रहे हैं, तो क्या यहां से यहां तक मैं लगा सकता हूं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अच्छा u स्क्वायर तो कितना हो गया, जीरो हो गया, रेस्ट से चला है, प्लस में 2 into g into height बताओ भाई 5r के बराबर। तो यहां से v स्क्वायर इज इक्वल टू 10gr, तो v की वैल्यू बताओ भाई अंडर रूट 10rg आ जाएगी v की वैल्यू। तो लोवेस्ट पॉइंट पर हमें स्पीड v की वैल्यू मिल गई अंडर रूट 10rg। अब सब कुछ काम हो गया, बताओ यहां पर स्पीड अगर अंडर रूट 10 है तो इसके कारण 10mg प्लस 1 ज्यादा वैल्यू आती है, तो टेंशन की वैल्यू 1 ज्यादा हो जाती है, तो बताओ टेंशन इस पॉइंट पर आ जाएगी 11mg के बराबर। टेंशन की जगह नॉर्मल बोलेंगे, सॉरी यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू 11mg, पर यहाँ पर तो हमसे पूछा ही नहीं, हम तो NA और NB पूछा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक अंतर हमेशा 3mg का आता है। इधर अगर 11mg है तो पक्का यहाँ पर कितना होगा 8mg के बराबर, तो पक्का यहाँ पर कितना होगा 5mg के बराबर, ये आंसर आ जाएंगे, खत्म का। क्लियर है कहानी? एक इसका रिवर्स प्रोसेस भी पूछा जा सकता है, रिवर्स प्रोसेस क्या है समझ लेते हैं, बिल्कुल इसी का उल्टा क्वेश्चन। यहाँ पर ऊंचाई दे दी गई थी और नॉर्मल पूछ लिया गया था, इससे उल्टा क्वेश्चन क्या बन सकता है आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए हमसे बोला गया है कि एक पार्टिकल है m मास का, इसको अपन ने रेस्ट से रिलीज कर दिया, इस तरीके से फिसलता हुआ गया r रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर। हमसे बोला गया हाइएस्ट पॉइंट पर जो इस पर नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज 4 times ऑफ वेट ऑफ पार्टिकल 4mg के बराबर। हमसे बोला गया यहां से छोड़ दिया, पार्टिकल फिसलता हुआ जा रहा है कुछ इस तरीके से, हाइएस्ट पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 4mg के बराबर है, तो बताइए कितनी ऊंचाई से हमने पार्टिकल को गिराया था, फाइंड हाइट h, r के रूप में आंसर देना है कितनी ऊंचाई से हमने पार्टिकल को गिराया होगा, कितनी ऊंचाई से पार्टिकल को गिराया होगा। क्या चीज समझ में नहीं आई? एन ए पे वेलोसिटी हो जाएगी रूट 10rg है अंडर रूट 8rg, वो तो इक्वल आते हैं हमेशा, लोएस्ट पॉइंट के लिए ही तो ये एक ज्यादा वाली बात वैलिड है, हर पॉइंट पे एक ज्यादा थोड़ी आता है, बल्कि वहां पर जाकर तो एक कम आता है, यहां पर एक ज्यादा आता है, यहां पर बराबर आता है, वहां पर तुम तो लोएस्ट पॉइंट के लिए ही केवल ये बेसिक बात याद रखो, यहीं पर mg जुड़ता है, mg cos 0, यहां पर तो mg cos 90 ऐड होगा, वो तो जो ही आएगा, तो इसीलिए 8mg और 8rg इक्वल आएंगे। समझ में आ रही है बात? कर लिया ये? चलो देखते हैं। तो देखो अपने तो क्या है, सबसे पहले जहां तक हो सके नीचे वाले पॉइंट पर पहुंचना चाहिए, ये सबसे बढ़िया रहता है। तो बताइए भाई यहां पर नॉर्मल रिएक्शन 4mg है, इसका मतलब जरूर यहां पर 3mg ज्यादा रही होगी, ऊपर जाते हुए तो नॉर्मल कम होती जाती है, यहाँ पर 4mg है तो क्या मैं यहाँ पर 7mg बोल दूं, और फिर यहाँ पर 10mg बोला जा सकता है, और अगर यहाँ पर नॉर्मल 10mg है तो पक्का स्पीड एक कम होती है 9rg आएगी, स्पीड वी की वैल्यू अंडर रूट 9rg आएगी। इधर भी mg मत लिख देना, ये स्पीड है कि सर इधर 10mg में से एक कम कर दिया, 9mg लिख दिया, ये mg नहीं है, स्पीड है, ये रूट आरजी होता है, वो फोर्स है, वो mg में आता है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर अंडर रूट 9rg आया स्पीड भी। अब बात है यहां से हमने इसको छोड़ दिया भाई h हाइट से, अच्छा अब तो मामला हो गया, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो जानते हैं ऊपर से नीचे आने पर स्पीड जब बढ़ती है, जब भी ग्रेविटी के कारण क्या रिजल्ट काम में आता है, v स्क्वायर बराबर
u स्क्वायर तो जीरो ही हो जाता है, 2 इंटू जी इंटू एच के बराबर, वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितना रख दें, 9 आर जी बराबर 2 जी एच, जी से जी खत्म हो गया, बताइए एच की वैल्यू कितनी आई, 9 आर बाई 2 के बराबर, क्लियर है क्या कहानी, ये हो गया हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सीधा रिजल्ट। तो चीजें आसान हो गई है इससे, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़े अपने को, पर इससे हम थोड़ा कैलकुलेशन से बच गए अगर ये बेसिक रिजल्ट का हमने यूज कर लिया। और एग्जाम्पल देखें, अगला क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए हाँ बोलिए, वेलोसिटी यहां पे हाँ क्या है, नॉर्मल नॉर्मल 11 हो जाएगा ना, दस मीटर पर सेकंड नहीं लिखना, मीटर पर सेकंड से 11 न्यूटन मत कर देना, 10 मीटर पर सेकंड है तो इधर 11 न्यूटन मत मान लेना यार, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ऐसे थोड़ी कर दोगे तुम, किसी भी यूनिट में 10 लिखा उसको किसी भी यूनिट में 11 कर दिया, ये अगर आर जी है तो इधर एम जी आ जाएगा, मतलब ये है, इसको गलत ऐसे मत समझना कि सर स्पीड 10 मीटर पर सेकंड मिल गई जिस दिन मुझे तो मैं टेंशन सीधे सीधे 11 न्यूटन कर दूंगा, ऐसे नहीं करना, ये गलत चीज है, आई बात है। और एक और बात, यहाँ पर ये रूट के अंदर है तो वो बाहर जाकर 11 है, ये भी बात समझने की है, अगर मैं इसी जगह वेलोसिटी कर देता v बराबर इधर कर देता 5 रूट आर जी कुछ ऐसे, तो इधर बताओ 5 की जगह 6 एम जी मत लिख देना, ये भी दिमाग लगाने की बात है, पर मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉमन सेंस की बात है, ये आप समझ ही लोगे कि यार ये रूट 5 पहले रूट में लिखना पड़ेगा सब कुछ, तो इस 5 को अंदर ले जाओगे तो ये 25 आर जी बनेगा, तो बताओ 26 एम जी आएगा इधर, समझ में आ रही बात, तो ये बेसिक बातें तो ध्यान रखनी है। इमेजिन करो अगर तुम्हें कभी इसके अलावा कुछ और दिख जाए कि सर इधर तो अंडर रूट आर जी आया ही नहीं, इधर तो स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, अब पूछा है नॉर्मल बताइए, तो उस केस में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, रूट आर जी वारजी के चक्कर में नहीं पड़ना, बेसिक फॉर्मूला भी तो अपन जानते हैं, वो बेसिक यूज कर लेंगे हम यार, हम बेसिक बताओ क्या जानते हैं, लोएस्ट पॉइंट पर एन बताओ कितना होता है, एम जी कोस 0 प्लस एम इंटू वी स्क्वायर, अगर हमें रेडियस आर पता है, हमें स्पीड 10 मीटर पर सेकंड पता है, हमें पार्टिकल का मास पता है, तो यहां से भी तो एन आ जाएगा, तो जब ऐसी परिस्थिति ना हो इसके अलावा कुछ भी हो तो हमारा बेसिक फॉर्मूला लगा दो, कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पर ये आएगा भी नहीं सीधा सीधा, वहां पर हमें बेसिक फॉर्मूले से ही सोल्व करना पड़ेगा, जैसे अगला ही एग्जाम्पल देख लो, इधर दूर जाए अगले क्वेश्चन में ही देख लो, तो जहां पर इतनी आसान नहीं होंगी हर बार चीजें, मतलब अपने को बेसिक फॉर्मूला तो याद रखना ही है, ये चीज तो ध्यान रखो, बेसिक फॉर्मूले के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिस तरह सिंपल पेंडुलम की सिचुएशन है, एम मास का पार्टिकल है, धागे की लंबाई एल मान ली, वर्टिकल से 60 डिग्री के एंगल पर रेस्ट से रिलीज कर दिया, भाई पार्टिकल नीचे जाएगा स्पीड बढ़ती जाएगी, इसको पोजीशन ए बोल देता हूं, पोजीशन बी बोल देता हूं, तो इमेजिन करो, एक बात सुन लो, जरूरी नहीं है सर्कल को पूरा होना वर्टिकल में, वर्टिकल सर्कल का कोई एक टुकड़ा भी है उसके लिए भी हमारे सारे फॉर्मूलाज वैलिड हैं, इसका मतलब है जिस तरह जो सिंपल पेंडुलम है वो भी तो वर्टिकल सर्कल का एक छोटा टुकड़ा होता है, तो सिंपल पेंडुलम के लिए भी हमारे टेंशन वगैरह के सब फॉर्मूलाज वैलिड हैं। तो चलिए भाई, हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम ए देन फाइंड टेंशन एट बी, If particle is released from A, then find tension at B. अगर A से particle को छोड़ दिया जाए तो B position पर बताइए velocity V क्या होगी? Tension at B क्या होगा? Then find tension at point B, lowest point है.
तो लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन के लिए लोवेस्ट पॉइंट पर पहले स्पीड पता होनी जरूरी है। स्पीड कैसे निकाले एनर्जी, हाँ सही है। तो पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज कर दिया, नीचे जाएगा, पहला काम तो यहां पर स्पीड निकालना है। स्पीड निकालेंगे तभी तो टेंशन आएगी। तो क्या सोचते हो बताओ भाई, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जरूर स्पीड बढ़ेगी। तो स्पीड के लिए क्या लिखा जा सकता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस में टू इंटू जी इंटू एच, हम कितना नीचे आए हैं ये देखना पड़ेगा। ये कैसे देखा जा सकता है बताइए, यहां तक की ये लंबाई कितनी है एल, और अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखूं तो बताओ भाई ये एल है, ये थीटा है, ये कितना होगा एल कॉस थीटा, मतलब एल कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 होता है 1/2, एल बाई टू आ जाएगा ये। अच्छा ये अगर एल बाई टू है, ये टोटल कितना है एल, तो बताओ ये कितना बचेगा, यही तो हाइट एच होगी, ये टोटल एल में से इसको माइनस कर देंगे एल बाई टू को, तो हमारा आएगा ये एल बाई टू के बराबर। तो अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर दें, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर तो जीरो था, प्लस में टू जी इंटू ये हाइट आई, जितना नीचे आए एल बाई टू के बराबर, टू से टू खत्म हो गया, तो वी बराबर बताओ कितना आया, अंडर रूट जी एल या वन जी एल बोल सकते हो, तो वी आया अंडर रूट वन जी एल। तो बताओ भाई टेंशन कितनी आ जाएगी, टू एम जी, कितना आ जाएगा टू एम जी, या ऐसे भी बोल सकते हैं यहां पर वी आया अंडर रूट टू जी एल। तो बताओ लोवेस्ट पॉइंट के लिए टी बराबर क्या लगा दे, एम जी कॉस थीटा, लोवेस्ट पॉइंट के लिए थीटा हमेशा कितना होता है जीरो डिग्री, चाहे पार्टिकल कहीं से छोड़ा गया हो, मैंने बताया था उससे वर्क नहीं पड़ता, कॉस जीरो लिखेंगे प्लस एम इंटू वी स्क्वायर बाई रेडियस जो कि एल के बराबर ही होगा, एल से एल खत्म हो जाएगा, एम जी कॉस जीरो वन, तो एम जी प्लस एम जी बताओ टेंशन इज इक्वल टू टू एम जी, या यहीं से सीधा सीधा देख सकते थे रूट वन जी एल था। तो लोएस्ट पॉइंट पर हमेशा एक वैल्यू बढ़ जाती है जब इस फॉर्मेट में होता है आंसर, तो 2mg हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई कहानी, और एग्जांपल देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखो ए पार्टिकल इज टाइड टू ए स्ट्रिंग, ए पार्टिकल इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कैपिटल एल, ए पार्टिकल इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड रोटेटेड इन वर्टिकल सर्कल, पार्टिकल इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड रोटेटेड इन वर्टिकल सर्कल, रोटेटेड इन वर्टिकल सर्कल इफ, रोटेटेड इन वर्टिकल सर्कल इफ रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंशन टू मिनिमम टेंशन, इफ रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंशन टू मिनिमम टेंशन इज 3:1, इफ रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंशन टू मिनिमम टेंशन इज 3:1, देन फाइंड velocities of particle, then find velocities of particle at highest and lowest point, then find velocities of particle at highest and lowest point. तो बताइए highest और lowest point पर velocities क्या होंगी particle की, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से।
हाँ जी क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है पार्टिकल। हाँ नहीं सब जो मुझे गलत जवाब दे रहे हैं सुबह से 2RG जवाब दे रहे हैं, पता नहीं वो कैसे निकाल रहे हैं। √2RG गलत है, चलो अभी देखते हैं। हाँ ये सही जवाब लग रहे हैं, √8RG और √4RG। वैसे धागे की लंबाई L बोली गई तो √8LG और √4LG हमारे आंसर होंगे। कैसे समझ लेते हैं भाई, ये मान लीजिए धागे की लंबाई L के बराबर है। पहली बात, हम पार्टिकल को वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं। हम जानते हैं वर्टिकल सर्कल में बताइए सबसे ज्यादा टेंशन कहां पर होती है, लोवेस्ट पॉइंट पर। क्या मैं इसको टी मैक्सिमम बोल दूं, हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन सबसे कम होती है टी मिनिमम। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इस पार्टिकल के लिए मैक्सिमम और मिनिमम का जो रेशियो है दैट इज 3:1। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर कि टी मैक्सिमम अपॉन टी मिनिमम इज इक्वल टू 3:1। तो टी मिनिमम को इधर ले जाऊं तो टी मैक्सिमम की वैल्यू बताओ भाई कितनी हो जाएगी, 3 times ऑफ टी मिनिमम। अब इमेजिन करो मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर भी हम हमेशा जानते हैं, किसी को याद है टी मैक्सिमम और मिनिमम हमेशा 6 mg के बराबर अंतर आता है, यहां से यहां तक 3 mg, यहां से यहां तक 3 mg, टोटल अंतर हमेशा 6 mg। तो मैं सीधा ये भी लिख सकता हूं कि मैक्सिमम में से अगर मैं मिनिमम को घटाऊंगा तो 6 mg का अंतर आएगा। अच्छा मैक्सिमम को अभी अभी अपन ने निकाला, बताओ क्या लिखा जा सकता है, 3T minimum माइनस टी मिनिमम बराबर 6 mg। तो यहां से आया 2T minimum बराबर 6 mg, तो टी मिनिमम बराबर 6 mg बटे 2, 3 mg आएगा। तो 3 mg बताओ टेंशन कहां पर आई है भाई, हाईएस्ट पॉइंट पर। बताओ क्या क्लियर हुई क्या ये बात है, क्या ये बात क्लियर हो गई, हाईएस्ट पॉइंट पर जो मिनिमम टेंशन है वो आ गई हमारे पास 3 mg के बराबर। अब मामला थोड़ा आसान हो गया, कैसे, अब इमेजिन करो अगर इधर टेंशन 3 mg है तो पक्का इधर बताओ कितनी रही होगी, 6 mg रही होगी, इधर बताओ कितना रहा होगा, 9 mg रही होगी। और अगर तुम्हें इधर टेंशन पता चल गई तो यहाँ पर स्पीड जो होती है ज्यादा होती है कि कम, स्पीड कम होती है, स्पीड कम होती है। किसी को अगर वो बात याद रहे तो बढ़िया है, नहीं तो आप टेंशन की वैल्यू आ जाए तो वहां से भी स्पीड निकाल सकते हैं। पहले तो यहाँ पर अगर याद रह जाए कि भाई टेंशन हमेशा एक ज्यादा होती है तो ये 9 है तो पक्का वेलोसिटी क्या आएगी, 8RG या कहते 8LG के बराबर आएगी। अच्छा अगर इधर 8LG आ गई तो इधर बताओ कितनी आएगी, फिर √6LG आएगी, फिर इधर बताओ कितनी आएगी, √4LG, 2LG की कमी आती है, ऐसे देखा जा सकता है। अगर तुम्हें ये याद नहीं है कि कौन सा एक कम था कि ज्यादा था, दिक्कत आए तो कोई समस्या वाली बात नहीं, अपना बेसिक फॉर्मूला लगा देना, तो बताओ गलती करने से ज्यादा बढ़िया बेसिक फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेना। तो यहाँ के लिए बताओ टी की वैल्यू तुम क्या लिखते, मैक्सिमम के लिए लोएस्ट पॉइंट के लिए तुम लिखते mg cos 0, तो 1 ही हो जाएगा इस पॉइंट के लिए, प्लस में m×v²/L। और टी मैक्सिमम अभी अभी अपन ने निकाल लिया, अगर ये 3 mg है तो बताओ टी मैक्सिमम कितना है, 9 mg, और माइनस mg हो जाएगा इधर जाकर, दिस इज इक्वल टू mv²/L। तो 8 mg बराबर mv²/L, तो v बराबर अपने आप ही रूट में 8 lg आ जाएगा, ऐसे देखा जा सकता है। कहानी समझ में आ गई, तो इस तरीके से देखा जा सकता है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करते हैं, तो अगले लेक्चर में हम और वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर क्वेश्चन देखेंगे, लूप को पूरा करने की कंडीशन के बारे में बात करेंगे और रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पर क्वेश्चन देखेंगे। तो अगले लेक्चर में अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा, और जो भी आप लोगों को मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं, वर्टिकल सर्कल का हो सकता है एक आध क्वेश्चन नहीं हो, तो जो भी होगा अपन उसको डिस्कस करेंगे। बताइए तो अगले लेक्चर में डिस्कशन करें या उससे अगले लेक्चर में, उससे अगले लेक्चर में डिस्कशन करते हैं। तो अगले 2 दिन का समय है आप लोगों के पास तैयारी के लिए, ठीक है। तो अगले 2 दिन में आप खूब सारे क्वेश्चन जो भी है मॉड्यूल को करने की कोशिश करें अपने लेवल पे। अगले कल फिर इसका मतलब है अगले लेक्चर में कल सर्कुलर कंप्लीट करते ही फिर हम स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब कोलिजन का जो आधार है। चलिए भाई क्लास एंड कैसे होती है यहाँ से।
ठीक।